नगर निकाय निर्वाचन चल रहा है इस समय, तो इसमें नॉमिनेशन के पश्चात प्रत्याशियों की बैठक ली गई थी। बैठक के पश्चात उनको निर्देश दिए गए थे कि राजकीय संपत्तियों पर किसी प्रकार के पोस्टर बैनर प्रचार सामग्री न लगाएं, और इसी तरीके से जो निजी परिसंपत्तियाँ हैं निजी भवन स्वामियों की सहमत से ही लगाएं। बावजूद इसके देखा गया कि कुछ जो हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, सभी के प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा कई जगहों पे पोस्टर बैनर लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस तरह की सूचना हमारे जो MCC प्रभारी हैं बुरा जिले पोस्टर हटवाने के दौरान हमें दी। उसके पश्चात कल हमने सभी को उनको नोटिस दिया है कि आप किन कारणों से आपके द्वारा इस तरह किया जा रहा है, और इसमें अपना 3 दिन के अंदर कारण स्पष्ट करें। सर, अगर कारण स्पष्ट नहीं होता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, उसमें देखा जाएगा कि इनका जो स्पष्टीकरण आता है उसको देखा जाएगा। देखने के पश्चात तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके प्रावधानों के तहत आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।